हेलो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, यानी कि 69 यूट्यूब चैनल के एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आप लोग सोलो में जब रैंक पुश करते हैं, जैसे मास्टर के लिए आ गाइस, मास्टर वन स्टार है, हीरोइक में स्कोर बढ़ाने के लिए जब आप रैंक पुश करते हैं, तब गाइस आपका दिक्कत क्या होता है, सोलो में फुल प्लस नहीं मिलता। एंड गाइस आप लोग चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हर एक मैच पे ले, बट आप लोग क्या मतलब आप लोगों का क्या होता है, हर एक मैच फुल प्लस नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले पाते, सामने वाले एनिमी को मार नहीं पाते, एंड आप लोग बुया लेने से पहले ही मर जाते। सो गाइस, आज के वीडियो बताऊंगा कैसे आप इजीली हर एक मैच फुल प्लस ले सकते हो, एंड उसके साथ साथ गाइस बोया भी ले सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखो तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। सो गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैच में जाने से पहले आपको सबसे पहले आपको कैरेक्टर स्किल सही करना पड़ेगा। कैरेक्टर स्किल में आपको क्या लेना है, हाया तो लेना है, एंड गाइस एक्टिव में आपका पास जो कैरेक्टर है एक्टिव स्किल में, कोई भी एक कैरेक्टर लेना है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ गाइस आपको लेना है मीसा कैरेक्टर, एंड मीसा के साथ साथ आपको लेना है मतलब मारो कैरेक्टर, और उसके साथ साथ गाइस आपको लेना है पेड में फैल्को। फैल्को क्यों लेना है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। फैल्को का काम आप इजीली जानते हैं, जल्दी जल्दी लैंडिंग करना, एंड उसके साथ साथ फैल्को का जो यूज़ है मैं वो भी देखा हूँ। सो गाइस, मैं वीडियो को इधर कट करता हूँ, कट करके मैं सीधा चलता हूँ मैच में। एंड मैच के जाने से पहले आपको और एक चीज़ बता दें, एस्टिमेटेड जो टाइम है आपका वो गाइस 0.010 से नीचे होना चाहिए। सो गाइस, ये सब करने के बाद आप जब लॉबी में आ जाओगे, मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका स्कोर थोड़ा सा हाई है, मतलब 3700 या 4000 से हाई है, तो आपको नॉर्मली लॉबी देखने के लिए मिलेगा। एंड उसके साथ एक गाइस बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ, आप लोग अल्पाइन में हर एक बंदा क्या करो, डिलीट कर दो, बट अल्पाइन में आपको डाउनलोड रखना, अल्पाइन में आप खेलना नहीं चाहते हो, बट फिर भी अल्पाइन में आपको डाउनलोड करके रखना, क्योंकि अल्पाइन मैप पे गाइस ज़्यादातर अच्छा बंदा नहीं आता है, जल्दी जल्दी मैच खत्म हो जाता है, एंड छोटा सा मैप है ना, तो जल्दी जल्दी बंदा खत्म हो जाता है, तो इजीली आप हर एक मैच जल्दी खत्म कर सकता है ना, वो या भी ले सकते हो इजीली, क्योंकि उतना अच्छा बंदा अल्पाइन में नहीं आता। सो गाइस, उसके बाद गाइस आपको सबसे पहले अच्छे से लैंडिंग करना पड़ेगा। अच्छे से लैंडिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, नहीं तो गाइस वीडियो के इन में मिल जाएगा, नहीं तो गाइस आपका आई बटन में दिख ही रहा होगा। सो गाइस, अच्छे से आपको लैंडिंग करना पड़ेगा। जैसे कि गाइस मैं इधर उतरूंगा, कैसे देखे मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ बंदा किधर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, एंड उसके बाद गाइस देखूंगा किधर बंदा नहीं जा रहा है, ठीक है, मेरे को मतलब पीछे की तरफ कैमरा को घूम कर रखना है, एंड गाइस कुछ लोकेशन को याद रखना है कि इधर इधर मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं पहले से मतलब मैं याद करके रखा हूँ, मेरे को ऐसी जगह पे लोकेशन पे जाना है जिधर बंदा नहीं जाए। सो गाइस, मैं उतर रहा था, एंड उसी टाइम पे गाइस मेरे को स्कैनर में दो बंदा दिखा, ठीक है, बेसिकली दो बंदा दिखा, एंड गाइस दो बंदा तो दिखा, सो मैं इधर ही उतरूंगा, एंड मैं जल्दी उतर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फैल्को, देखिए फैल्को रहने का फायदा क्या, मैं बहुत ही जल्दी उतर जाऊंगा, एंड वो लोग आएगा आएगा मैं लूट करके गाल लेके खड़ा हूँगा, वो लोग आएगा इजीली मार दूंगा, सो बहुत ही ज़्यादा इजी। सो गाइस, मैं इधर उतर जाऊंगा, उतरने के बाद मैं गन को पहले वॉच करूंगा, गन के ऊपर उतरूंगा, एंड गन को लेने के बाद गाइस मैं पहले क्या करूं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों गन को उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद गाइस सामने जो बंदा होगा उसको मारो, कैसे मारना है वो भी मैं दिखाता हूं। सो गाइस, मैं थोड़ा सा वीडियो को काट करता हूं, जब बंदा मेरे सामने आएगा मैं तब दिखाता हूं। ओके, सो गाइस पहले तो मैं इधर उतर रहा था, मतलब उतर के लूट वगैरह कर रहा था, उसी टाइम पे मेरे को पैर का आवाज आया, सो सामने देखा कि बंदा है। सो गाइस, मतलब आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं जैसे पैर का आवाज आए अच्छे से आपको सुनाई दे, तो गाइस इसके लिए आपको हेडफोन यूज करना है, अच्छा सा हेडफोन यूज करना है। आप अच्छा सा हेडफोन यूज करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा हेडफोन का, मैं जो हेडफोन यूज करता हूँ वो सस्ता भी पड़ेगा एंड बहुत दिन तक चलेगा, मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। आप भी लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हो। सो जो भी हो गाइस, इधर गाइस मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, आप जब मतलब नींद से उठे वो फ्रेश नहीं हुए तब कभी मत खेलना। अभी सीन क्या हुआ था देखे मैं, मतलब ये तो सीन सुबह रिकॉर्ड किया था, जस्ट नींद से उठ के ही मैं रिकॉर्ड में बैठा है और गेम खेलना शुरू कर दिया, तभी गाइस ऐसा दिक्कत हो गई, वॉल भी नहीं गिर रहा था ऐसा वगैरह। तो गाइस आपको पहले फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद गेम वगैरह खेलना है। सो गाइस, इधर एक एनिमी को मार दे, एंड गाइस और एक एनिमी मैं जो स्कैनर पे देखो वो भी है, मेरे को चौंकाना रहना है, हेडफोन का यूज करके मेरे को पता चल, मतलब सब हर समय मेरे को चौंकाना रहना है कि किधर से आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से देख के फिर जाके गेम खेलना है। सो इधर गाइस देखिए, मैं जा ही रहा था, जस्ट मतलब लूट वगैरह कर रहा था, इसी टाइम पे एक एनिमी आएगा जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को काट करके वो दिखाता हूँ क्या ही सीन होता है उसके बाद। सो गाइस, मैं इधर बैग लेने के लिए आया है, उसी टाइम पे सामने से एक बंदा मतलब एक लड़की आ गया, जो कि गाइस मेरा सीधा खड़ा था, पता नहीं क्या हो रहा था, बट मैं उसको शॉटगन से इजीली मार दे, एंड इधर ही मेरा 2 किलो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको खेलना है, आपको फुल प्लस लेना है, मेनली आपको क्या क्या करना होगा फुल प्लस लेने के लिए, गाइस सर्वाइव टाइम का जरूरी है, जो कि मैं करूँगा, कैसे करना है मैं दिखाऊँगा, एंड उसके साथ साथ गाइस आपको डैमेज वगैरह किल वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, कैसे करना है मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ, ऐसे ही आप खेलेंगे तो इजीली आपका किल भी हो जाएगा, एंड गाइस सर्वाइवल
टाइम भी हो जाएगा, उसके साथ साथ डैमेज भी पूरा हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ आपको बोया लोगे तो और भी अच्छा है। तो ये तीनों चारों चीज़ मतलब अच्छे से करोगे तो इजीली आपका हर एक मैच फुल प्राइज होगा, जो कि गाइस मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस मैं इधर अच्छे से लूट वगैरह कर लिया, एंड करने के बाद गाइस मैं सीधा कट करता हूँ, एंड लूट वगैरह करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है वो भी मैं दिखाता हूँ। सो गाइस मेरा जब लूट हो जाएगा, अभी काम क्या आएगा, मीसा कैरेक्टर का। मीसा कैरेक्टर का यूज करके आप क्या कर सकते, आपके पास जो भी कोई भी गाड़ी हो, कोई भी बाइक हो, जीप हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको बैठ जाना है, गाड़ी लेके सीधा जाना है एक अच्छे से प्लेस में और चारों तरफ से कवर हो, एंड अच्छे से एक प्लेस में जाके आपको सीधा उधर थोड़ा सा सर्वाइव करना है। उससे क्या होगा, सर्वाइवल टाइम भी आपको मिल जाए। आप किल करना चाहते हैं, आप घूम घूम के अच्छे से प्लेस में रुक के किल भी कर सकते हैं। सो गाइस देखिए मैं मीसा को लेके अच्छे से एक प्लेस में जाऊंगा जिधर मैं थोड़ा सा रुक के सर्वाइव भी कर सकता हूं। सो मैं ऐसे करके आया, एंड इस घर के साइड में सामने वाले जो घर है जोन के अंदर भी है, एंड उधर से चारों तरफ से कवर पे भी मैं हूँ, एंड इस घर के पास आऊंगा, साइड से देखिएगा इस बंदा मार रहा है, मैं बंदे को मारने के लिए नहीं रुकूंगा, बट मैं इस घर में आऊंगा एंड सेफ्टी से देखूंगा पहले घर में बंदा है या नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद मैं घर के ऊपर जाके थोड़ा सा सर्वाइव करें, लैंडमाइन होगा तो लैंडमाइन अच्छे से एक प्लेस में लगा दूंगा, जिससे कि गाइस बंदा मतलब मेरे को जब रास करने के लिए आए और लैंडमाइन से डैमेज करे। सो मैं पहले चेक कर लूंगा लैंडमाइन वगैरह लगा है या बंदा वगैरह है या नहीं है। तो चेक करके इधर लैंडमाइन लगा के मैं सीधा आके सर्वाइव करूंगा। सर्वाइव करने से क्या होगा फायदा गाइस, सर्वाइवल टाइम आपका बढ़ेगा, एंड इजीली आपका मतलब लास्ट में बुया भी ना हुआ ना तो इजीली आपको फुल प्लस मिल जाए इसीलिए। सो गाइस मैं इधर आ गया एंड सर्वाइव करूंगा, एंड सर्वाइव करने के बाद जब जोन आएगा ना उसके बाद क्या करना है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस जब फिर नेक्स्ट वाला जोन आ जाएगा ना, आपको पहले जोन को कवर करना है एंड गाइस फायदा लेना है, किसी भी फाइट में नहीं फंसना है, फायदा लेना है, अच्छे से एक प्लेस पे जाना है। सामने देखिए गाइस एक बंदा था, मैं देख के उधर उसको सीधा मारा भी नहीं और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं सीधा पहले कवर में रहूंगा एंड गाइस पीछे से कैसे उसको धप्पा दे सकता हूँ वही देखूंगा। मैं इधर देखिए गाइस ये वाला ग्रेनेड किया, जो आइस ग्रेनेड होता है जो डैमेज देता है, थोड़ा पॉइजन ग्रेनेड होता है जिसको आई थिंक पॉइजन ही बोलते हैं, जो भी हो गाइस मैं उसको मतलब पीछे से दिया एंड उसको डैमेज नहीं आया, एंड वो वाला बंदा सामने जब फाइट कर रहा मैं सीधा उसके ऊपर रास तो किया, बट कैसे किया देखिए, धीरे धीरे आया एंड गाइस इधर देखो बंदा लूट रहा था, मैं इजीली उसको हेडशॉट में दे दिया, एंड हेडशॉट देने के बाद इधर गाइस मेरा 3 किलो हो जाता, अभी भी 11 बंदा अराइव है। मैं इसीलिए गाइस बोलता हूँ आप लोग अल्पाइन मैप डाउनलोड करो, अल्पाइन मैप पे खेलो, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा, बहुत ही इजी बंदा आएगा, क्योंकि गाइस अच्छे अच्छे बंदे ना अल्पाइन मैप से डरते हैं, नूबड़ा लोग वो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग अल्पाइन मैप में खेलता ही नहीं, भाई क्या ही खेलेगा अल्पाइन में, बोल लोगों का मतलब अच्छा नहीं लगता, खेलना नहीं जानता तो अच्छा कैसे लगेगा, जो भी होगा इधर देखिए अल्पाइन मैप में आपको खेलना है। एंड गाइस इधर देखिए सामने फाइट हो रहा है, एंड गाइस मैं क्या करूंगा, लूट करूंगा एंड इधर फायदा लूंगा, फायदा क्यों लूंगा गाइस, डैमेज भी मेरे को उठाना है, एंड किल हो और ना हो डैमेज मेरे को बहुत ही ज्यादा उठा लेना है, इधर डैमेज दे के डैमेज उठा लेना है। मैं गाइस इधर देखिए लूट वगैरह कर लिया, एंड लूट करने के बाद मैं थोड़ा बैग को खाली कर दूंगा, खाली करने के बाद जितना भी ग्लू वाल उठे ना उठा लूंगा एंड रिपेयर किट भी उठा लूंगा। सो मेरे पास गाइस 21 ग्लू वाल हो गया, सामने से बंदा देखिए जा रहा था, एंड गाइस मेरा क्या हुआ सेंसिटिविटी का पता नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज किया था बट हेड ही नहीं लग रहा उस टाइम से, ठीक है, जो भी होगा मैं इधर मतलब इसको इन लोगों को डैमेज दे के अच्छा सा डैमेज उठा लूंगा। एंड गाइस डैमेज आप जब दे रहे हो किसी एनिमी को, जब मार रहे हो चारों तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब साइड से बंदा आपके ऊपर थर्ड पार्टी ना करते। एंड गाइस इधर से देखिए एक बंदा साइड से गोली चला रहा था, मेरे को थोड़ा सा साइलेंसर का आवाज़ आया। सो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं सीधा पहले कवर में जाऊंगा, एंड कवर में जाने के बाद उसका मतलब हालत ख़राब करूंगा कैसे आप देखिए। सो गाइस मैं सबसे पहले कवर में थोड़ा सा खड़ा रहा, एंड वो वाला बंदा सामने वाले पेड़ के पास था, ठीक है, उसको मैं थोड़ा डैमेज देने की कोशिश कर रहा था। एंड गाइस उसी टाइम पे मैं इधर जो बंदे को मारा था ना, इधर एक बंदा आ गया था, सो उसको भी गाइस मैं कवर में रह के मार दे। सो आपको भी गाइस कवर में हर टाइम कवर में रह के फाइट करना है, एंड उसी टाइम पे ना इस दाएं तरफ जो बंदा था वो बंदा जोन के अंदर जाने की कोशिश करता है। मैं इसी टाइम पे क्या करूंगा, मैं अच्छे से कवर में पहले जाऊंगा, कवर में जाने के बाद उसको इजीली मार दूंगा। जैसे कि गाइस देखिए इसके मैं मेरे पास मारो था, मारो के वजह से गाइस क्या ही डैमेज दे रहा था उसको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहा है। एंड उसके बाद गाइस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अभी जोन श्रिंक होने वाला है तो गाइस मैं चेक करूंगा जोन कहां गिर है, सबसे पहले जोन कहाँ है उस देखूंगा, तब तक कवर में रहूंगा। उसके बाद गाइस मेरे को जोन में जाना, क्योंकि अभी भी 5 बंदा अलाइव है, एंड गाइस मेरा 6 किल ऑलरेडी हो गया है। आपको आप भी ऐसे ही खेलोगे ना A to Z, मतलब मैच जैसे खेलो ऐसे ही कॉपी करके खेलोगे ना, इजीली आप लोग ऐसे ही मतलब टॉप बुया भी करोगे, टॉप 2 टॉप 3 में आओगे, एंड आपका किल 6-7 तो रहेगा ही रहेगा। एंड सामने से गाइस बंदा मेरे को मार रहा था, सो गाइस मैं क्या करूंगा कवर ले लेके सबसे पहले जोन को कवर करूंगा, जोन को कवर करने के मैं साइड से जाऊंगा, एंड जोन कवर करने के टाइम ना
किसी बंदे को ऊपर फायर ही नहीं करूंगा जब तक चांस नहीं होगा। सो इधर अगर ड्रॉप के पास बंदा जिसको मैं बहुत सारा डैमेज दिया, डैमेज देने के बाद मैं क्लियर हो गया कि उधर से बंदा मेरे को नहीं मारेगा, उसी टाइम पे गाइस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जोन को कवर करूंगा। आपको भी ऐसे ही खेलना है बेसिकली, ओके। सो गाइस उसके बाद मैं देखिए गाइस जोन को कवर कर ले एंड मेरे इधर जोन रहेगा, मैं 100% गारंटी से। एंड उसी टाइम पे देखिए मैं आगे नहीं गया, आप लोग होते तो क्या सीधा घर के कवर में चले जाते, मिडिल पे चले जाते, घर है उधर। तो गाइस मैं नहीं गया क्यों, देखिए इधर आपको पता चला। सो गाइस इधर देखिए मैं ग्रेनेड किया बंदे को, बंदे को डैमेज आया 73 का, ग्रेनेड से 73 का डैमेज। दूसरा ग्रेनेड किया, दूसरा ग्रेनेड थोड़ा सा गलती हो गया, ग्लू वॉल के मतलब ग्लू वॉल में लग के थोड़ा पीछे की तरफ आया। उसी टाइम पे घर के अंदर से एक बंदा उस मतलब मैं जिस बंदे को डैमेज दे रहा था उसको मार दिया, उसके साथ एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है एंड दूसरा बंदा जो है वो एक ही बंदा रहता है। एंड वो गाइस घर के अंदर था, घर के अंदर से बाहर चला गया। मैं पहले तो घर के अंदर एक ग्रेनेड करूंगा एंड घर के अंदर जब ग्रेनेड किया गाइस वो बंदा देखा कि घर के अंदर है, तब मैं सोचा कि आई थिंक वो पीछे घर के पीछे हो जाए। उसी टाइम पे ग्रेनेड भी गया, वो बंदा इस तरफ ही आया एंड 123 का डैमेज आया ग्रेनेड से। एंड मैं गाइस फ्रीली जा रहा था एंड M10 से उधर स्पैम करके इजीली उसको मार दूंगा। एंड मेरा इधर गाइस 8 किल के साथ बुया हो गया एंड मेरे को फुल प्लस भी मिल जाएगा, आप देख लीजिए। सो ऐसे ही आप गाइस खेलेगा तो इजीली हर एक मैच आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्लस होगा, आप जिस रैंक पे है उस रैंक के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ही होगा, 100% गारंटी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना है तो चैनल पे बने रहना, क्योंकि मैं इस मतलब चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट ले आता हूँ। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।